फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कृष्णा कुमारी। ये आज की वीडियो में आप उनकी बायोग्राफी के बारे में जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृष्णा कुमारी कोहली की उम्र 39 वर्ष है। इनका ताल्लुक दिलत जात है, जिसको भारत में सबसे कमतर समझा जाता है। कृष्णा कुमारी कोहली का कहना था कि मैं जिला थर पार करके निगर पार करके एक गांव से गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन एवाने वाला की रुकन बन जाऊंगी। मेरी 4 बहनें और 2 भाई हैं। भाई छोटे हैं, एक भाई एडवोकेट है जबकि एक ने मास्टर्स किया है। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी और एक छोटी है। मेरे वालदैन अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी यानी के जमींदारों के पास खेतों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं अपने वालदैन की ये मोहब्बत कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। उन्होंने कहा कि मैंने तालीम हासिल करने में बहुत मुश्किलात का सामना किया। 8 जमात पढ़ने तक मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि मेरे वालदैन कभी किसी गांव में और कभी किसी जमींदार के पास काम करते थे। इसलिए मुझे कभी किसी स्कूल और कभी किसी स्कूल में दाखिला लेकर पढ़ना पड़ता था। इसी तरह मुझे तालीम हासिल करने में ही मुश्किलात रही। उन्होंने कहा कि जब मैं दूसरी जमात में पढ़ती थी तो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के एक जमींदार ने जबरदस्ती अपने पास कैद कर लिया था और हमें कहा गया था कि आप किसी रिश्तेदार को नहीं मिल सकते और आप कहीं जा भी नहीं सकते। हम 2 साल तक उसके पास रहे। वो हमसे अपनी जमीनों पर गंदम की कटाई और कपास की चुनाई समेत चने जितने भी जमींदारी के काम थे वो उनसे लिया करते थे। 15 साल की उम्र में मेरी शादी एक पढ़े लिखे खानदान में हुई। मेरे शोहर लालचंद इस वक्त खुद भी तालीम हासिल कर रहे थे, जबकि मेरे ससुर इंजीनियर थे। पढ़े लिखे घराने में शादी होने के बायस मुझे काफी फायदा हुआ। उन्होंने मुझे मजीद तालीम जारी रखने की इजाजत दे दी और मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल कर ली। कृष्णा कुमारी ने मजीद अपनी इंटरव्यू में मजीद कहा कि मैं अपने गांव में तालीम और सेहत के हवाले से काम करती थी। मेरे पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, अब मुझे ये मौका मिला है। मैं सेनेटर मुंतखब हुई हूँ और अब मैं अपने लोगों के लिए खुलकर काम करूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे ये मौका पीपल्स पार्टी ने दिया है और ये जिन्होंने एक गरीब को आगे आने का मौका दिया है। मैं कोहली कम्युनिटी की पहली खातून हूँ जो सेनेटर मुंतखब हुई हूँ। कृष्णा कुमारी ने मजीद कहा कि मैं 2007 से खवातीन को जिंसी तौर पर हरासा करने के खिलाफ काम कर रही हूँ और उन्होंने 2010 में हरासगी के खिलाफ बिल असेंबली से मंजूर कराया। कृष्णा कुमारी एज ए सेनेटर जब आने वाला में आई तो वो अपने एक रवायती लिबास थर के रवायती लिबास में थी, जो बड़े बड़े चूड़े पहने हुए थे उन्होंने और अपने पूरे एक कल्चरल ड्रेस में मौजूद थी और उन्होंने वहां पर एज ए सेनेटर दस्तखत किए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई टॉपिक या कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप भी
आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो वीडियो के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट शेयर करना चाहूंगी। ये नोट जो है वो गर्ल्स के बारे में है कि प्लीज जब भी आप किसी भी लड़की के बारे में कोई बात आगे कर रही हो तो प्लीज अपने तौर पर कंफर्म करें वो बात सही है भी या नहीं, क्योंकि आगे सुन के लोग आगे पहुंचाते हैं विद इन सेकेंड। तो जिसके बारे में नेगेटिविटी जिस लड़की के बारे में कही जा रही होती है उसकी लाइफ तो खराब होनी है, क्योंकि आगे ही लोग फैला देते हैं बात, तो उससे लाइफ उसकी भी बर्बाद है, उसके साथ वाले लोगों की बर्बाद तो नहीं, एटलीस्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो लोग अफेक्ट हो रहे होते हैं, असरअंदाज हो रही होती हैं ये बातें। तो आप प्लीज स्पेशली गर्ल्स के बारे में कोई भी बात करते हुए हमेशा एहतियात करें, या ऐसी बात से ऐसे लोगों से जहाँ ये बात हो रही है वहां से दूर हो जाएं, क्योंकि किसी की लाइफ को आप अगर डायरेक्टली नहीं बचा सकते तो इनडायरेक्टली तो बचा ही सकते हैं। लाइक आप वो बात आगे ना करके ना शेयर करके या उस इंसान से दूर होकर ये आप काम कर सकते हैं, तो दूर करें। लड़की के बारे में कही कई गलत बात एक कर्ज की तरह, जो आप कर तो जाएंगे लेकिन ये कर्ज की तरह आपके ऊपर रहेगा और आप आपको खुद भुगतना पड़ेगा, या आपके करीब के लोगों को ये कर्ज जो है वो किसी भी सूरत में भुगतना पड़ सकता है। तो अच्छी बात है कि आप खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं।